जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, इन लास्ट पीरियड वी डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब्स। सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनादर एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है किसी भी सेंटेंस का जो कि किसी की, जो उस सेंटेंस की वर्ब में या एडजेक्टिव में या फिर दूसरे एडवर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करता है। एडवर्ब, वी लर्न फ्रॉम दिस एड प्लस वर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करता है, विच एड सम मीनिंग टू द वर्ब, इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। एग्जाम्पल, तारिक एट हिज सैंडविच क्विकली व्हेन नो वन वॉज लुकिंग। तारिक ने अपना सैंडविच बहुत ही तेजी से खाया जब उसे कोई भी नहीं देख रहा था। सो हियर क्विकली मॉडिफाइज वर्ब एट। एट वर्ब है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो क्विकली वर्ड ने किसको मॉडिफाई किया? एट वर्ड को। तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इन सेकेंड सेंटेंस, इट वॉज अ वेरी डिलीशियस सैंडविच। इन दिस सेंटेंस वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव डिलीशियस। ये एडजेक्टिव है, इसको क्या, किसने मॉडिफाई किया? वेरी ने। तो वेरी क्या हो गया यहाँ पर? एडवर्ब हो गया। इन थर्ड एग्जाम्पल, ही प्लेस्ड हिज लंच बॉक्स बैक इन हिज बैग वेरी क्वाइटली। इन दिस सेंटेंस वेरी मॉडिफाइज द एडवर्ब क्वाइटली। सो हियर क्वाइटली इज एन एडवर्ब। नाउ वी सी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। नंबर वन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इट टेल्स अस हाउ एक्शंस टेक प्लेस। इसमें हमको ये पता चलता है कि एक्शन या जो भी वर्ब है वो कैसे हुई, हाउ। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर क्विकली, सेफली, हंग्रीली, ब्राइटली, एट्सेट्रा। सेकेंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। वो एक्शन कहाँ पर हुआ है ये हमको बताता है। तो हम जब भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे जिससे हमें ये पता चले कि वो एक्शन कहाँ हुई है, तो वो वाले वर्ड्स क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड, बाहर की तरफ, अप स्टेयर्स, ऊपर, देयर, नियर बाय, एवरीवेयर। इन सारे वर्ड से हमको ये समझ में आता है कि ये प्लेस के लिए बता रहे हैं। थर्ड इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दे टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कि एक्शन कब हुई है। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो, ऑलरेडी, नाउ, रिसेंटली, यस्टरडे। दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फोर्थ इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कभी कभी हो रहा है, कि प्रायः होता है। तो उनके एग्जाम्पल्स हैं रेयरली, एवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ट्वाइस अ वीक, एट्सेट्रा। फिफ्थ इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी एक्शन के एक्सटेंट बताते हैं हमको। रियली, मच, एक्सट्रीमली, जस्ट, ऑलमोस्ट, क्वाइट, वेरी, एट्सेट्रा। सो दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। देन रिलेटिव एडवर्ब्स फंक्शन लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस। दे जॉइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस यूजिंग व्हेन, वेयर और व्हाई। जब भी इन वर्ड्स से दो सेंटेंसेस को ऐड किया जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वो काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। सेंटेंस एडवर्ब्स, दे मॉडिफाई एन एंटायर सेंटेंस और क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली, यूजुअली, नॉर्मली, अनफॉर्चुनेटली, एट्सेट्रा। सो दीज आर सेवन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स।
नाउ वी सी पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स. अब हम ये देखेंगे कि एडवर्ब्स की पोजिशन कहाँ होती है, कौन सा एडवर्ब हमको कहाँ यूज़ करना चाहिए. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजली प्लेस्ड इन द एंड पोजिशन. जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो यूजली एंड में यूज़ किए जाते हैं. बट एन एडवर्ब दैट एंड्स इन एल वाई कैन समटाइम्स बी प्लेस्ड इन द मिड पोजिशन. लेकिन कभी कभी जो एडवर्ब एल वाई से एंड होते हैं उनको हम बीच में भी एड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनुज क्विकली रैन अक्रॉस द रूम. और हम बोलेंगे अनुज रैन अक्रॉस द रूम क्विकली. तो डिफरेंस समझ में आया? He ran fast. कि can be placed in the mid position. Mid position में भी हम use कर सकते हैं, but oftenly we use them in end of the sentence. He ran fast. यहाँ पर हमने end में use किया. Fast is adverb here. एंड क्विकली इज एडवर्ब, हियर क्विकली इज एडवर्ब. बट एल वाई है तो कभी कभी हम मिड पोजिशन में भी यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज इनको लास्ट में ही यूज़ किया जाता है. किसको? एडवर्ब्स ऑफ मैनर को. देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. जितने भी प्लेस होते हैं दे आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट और एल्स आफ्टर द वर्ब. यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में हम यूज़ करेंगे, और नहीं तो अगर ज़्यादा है तो हम वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, इट इज़ विंडी आउटसाइड. इट इज़ विंडी आउटसाइड. ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. सो वी यूज़ this adverb after the object because it is singular. ये हमने लिखा है ना after the object if there is one. यदि एक है, singular number है, तो फिर हम object के बाद में हम adverb को use करेंगे. but in this sentence the artists are sitting there. here artists plural number है, so we use them, we use adverb after the verb. verb here, sitting is verb here, so we use after sitting, we use there. sitting verb के बाद में हमने their word use किया है. then adverbs of time, they are usually placed in the front position or in the end position. या तो हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को फ्रंट में यूज करेंगे या फिर एंड में. फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे वी वेंट टू द ऑब्जर्वेटरी. और वी कैन से वी वेंट टू द ऑब्जर्वेटरी यस्टरडे. यस्टरडे या तो हम सबसे पहले लगाएंगे या फिर लास्ट में. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम या तो हम फ्रंट में यूज करेंगे या फिर एंड ऑफ द पोजिशन. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे आर यूजली ऑक्यूपाई द मिड पोजिशन इन अ सेंटेंस. ये अक्सर मिड पोजिशन में यूज़ किए जाते हैं. हैव यू ऑलवेज लिव्ड इन दिस सिटी. हियर ऑलवेज इज इन मिड पोजिशन ऑफ द सेंटेंस. वी विजिटेड दैम फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग देयर स्टे इन दिल्ली. हियर फ्रीक्वेंटली इज एडवर्ब एंड वी यूज इट इन मिड पोजिशन. सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूजली यूज्ड इन मिड पोजिशन. Then adverbs of degree, they are usually placed before the adjective or the adverb they modify. They are also sometimes placed before the main verb. For example, the dessert is almost ready to be served. Or this restaurant serves much better soup than the one next to it. ठीक है? So this is all about adverb. I hope you all understand it. And now I am sending you these notes on Google Classroom. So write them in your notebook and then I will send you one assignment. So do it in your notebook also.
एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ योर ग्रामर बुक ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैं ग्रामर बुक की एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज भेजूंगी, तो वो आप अपनी बुक में कर लेंगे। ओके, जय गुरुदेव।